नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उन राज्यों की तरफ देख रही है जहां उसे पहले सफलता नहीं मिली। 5 दक्षिणी राज्यों में कुल 129 लोकसभा सीटें हैं भारत में। 2019 में बीजेपी को इनमें से केवल 29 सीटों पर सफलता मिली थी। कर्नाटक की 25 और तेलंगाना की 4 सीटों के अलावा बाकी के बचे 3 राज्यों ने केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। अब बीजेपी 20 लोकसभा सीटों वाले केरल का मिथक तोड़ने और दक्षिण के 5 राज्यों में सीट दोगुना करने की प्लानिंग में है। अभी तक चुनावी इतिहास में भारतीय जनता पार्टी केरल में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने त्रिशूर में रोड शो और रैली करके अपनी मंशा को जताया है। अब बीजेपी नेता तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कैंपेन शुरू करने वाले हैं। कर्नाटक में बीजेपी का आधार है। पिछले चुनाव में वहां उसे 25 सीटें मिली थी। जेडीएस के समझौते के बाद इस बार भी बीजेपी कर्नाटक में बड़ी जीत की उम्मीद कर रही है। जमीनी तैयारियों और पीएम मोदी के करिश्मे के अलावा बीजेपी की निगाहें दक्षिण भारत के फिल्मी सितारों पर भी हैं। फिल्मी सितारों की लोकप्रियता बुनाकर बीजेपी दक्षिण का किला भेदने की रणनीति बना रही है। दक्षिण भारतीय राज्यों में फिल्मी सितारों का राजनीति से रिश्ता नया नहीं है। एमजी रामचंद्रन, एनटी रामाराव और जयललिता जैसे सितारे टॉलीवुड पर राज करने के बाद राजनीति में आए और फिर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने में सफल रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति के 2 पहलू हैं। फिल्मी सितारों की पार्टियों के साथ गठजोड़ और उनकी अपनी पार्टी नहीं है, उन्हें पीएम मोदी के समर्थन में लाना। बीजेपी ने तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश की 84 में से 2 दर्जन सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए जाति समीकरणों को साधने के साथ ही मोदी के विकास कार्यों से फिल्मी सितारों की लोकप्रियता को जोड़ने की योजना है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जिस तरह रजनीकांत, चिरंजीवी, प्रभास, धनुष और मोहनलाल जैसे सितारों को बुलाया गया, बीजेपी का उसका फायदा मिलने की उम्मीद है। बीजेपी के मिशन साउथ के रणनीतिकारों का मानना यह भी है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में फिल्मी हस्तियों से जुड़ी पार्टियां अब बड़ा उलटफेर नहीं कर पा रही हैं, जैसे एमजीआर और एनटीआर के जमाने में हुआ करता था। अब उन्हें भी राष्ट्रीय या स्थानीय दलों से जुड़ने में अपना फायदा दिखता है, इसीलिए बीजेपी उन्हें साधने की हर संभव तैयारी कर रही है। अब हम आपको बता दें कि टॉलीवुड के कौन से सितारे बीजेपी की रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। तमिलनाडु में फिल्म स्टार थलापति विजय ने तमिझगा वित्री कर्णम यानी टीवी के पार्टी बनाई है और राज्यपाल सीटी रवि भी तमिझगा के पैरोकार माने जाते हैं। विजय ने साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी बल्कि 2026 के विधानसभा के चुनावों में पूरे दमखम के साथ उतरेगी। इस लिहाज से लोकसभा चुनाव में टीवी के समर्थकों के लिए बीजेपी का समर्थन करना मुश्किल नहीं होगा। बीजेपी को तमिलनाडु में डीएमडीके के समर्थन की भी उम्मीद है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी की निगाहें जूनियर एनटीआर यानी के तारक पर टिकी हुई हैं। तारक आंध्र के साथ ही तेलंगाना में भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग रखते हैं। एक और फिल्म स्टार हैं पवन कल्याण और उनकी पार्टी जनसेना के साथ बीजेपी गठबंधन कर चुकी है। इसके अलावा वो चिरंजीवी की पार्टी प्रजा राज्यम का भी समर्थन हासिल करने में जुटी है। केरल में फिल्म स्टार गोपी को राज्यसभा भेजकर बीजेपी ने अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाना शुरू भी कर दिया है। पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी उनके यहाँ शादी में भी पहुंचे थे। मलयाली फिल्मों के डायरेक्टर रामसिमन अबूबकर ने बीजेपी भले ही छोड़ दी हो लेकिन अब भी नरेंद्र मोदी के समर्थन की वो बात करते हैं। पार्टी ममूटी से भी संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। दक्षिण के राज्यों में बीजेपी को फिल्मी सितारों की जरूरत इसलिए भी ज्यादा महसूस हो रही है क्योंकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी का आधार बहुत कमजोर है। आंध्र प्रदेश और केरल में तो पार्टी का एक विधायक भी नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनावों में आंध्र प्रदेश में बीजेपी को महज 1% वोट मिले थे। आंध्र प्रदेश की ही तरह बीजेपी के सामने तमिलनाडु में भी बड़ी चुनौती है। बीजेपी की छवि हिंदुवादी पार्टी की है और तमिलनाडु द्रविड़ आंदोलन की जमीन रही है। इसके साथ ही बीजेपी के लिए हिंदी पार्टी का टैग ज्यादा मुश्किल पैदा करता है। बीजेपी की आहट को देखते हुए हाल ही के दिनों में डीएमके ने हिंदी के मुद्दे को एक बार फिर से हवा देना शुरू कर दिया है। केरल में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है क्योंकि यहाँ हिंदुओं की आबादी है 54% से ज़्यादा। इस राज्य में 26.56 आबादी मुस्लिम है और 18% ईसाई है। बीजेपी हिंदू वोटर्स वाले इलाकों में फोकस कर रही है लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही। ऐसा तब है जब उसके मात्र संगठन आरएसएस की यहाँ पर 4500 से ज़्यादा शाखाएं लगाने का दावा किया जाता है। केरल में भी हिंदुवादी पार्टी होने का तमगा बीजेपी के लिए मुश्किलें बन रहा है। कर्नाटक और तेलंगाना को अगर छोड़ दिया जाए तो दक्षिण के राज्यों में बीजेपी के पास कोई बड़े कद का नेता नहीं है।
उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद अगर आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही चुनाव से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक को। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।